भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नई सोच नए उमंग के साथ ग्राम पंचायत आदमपुर से बीडीसी पद के भावी एवं कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी शाहिना पत्नी शमशाद अहमद का चुनाव चिन्ह कुआं पर अपनी कीमती मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। आजमगढ़ जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर बघई डारपुल के पास शनिवार की रात लगभग 1 बजे देवरिया से विंध्याचल दर्शन को जा रहे कार के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 3 की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार में मिले मोबाइल और आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिजन सदर अस्पताल पर पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। वहीं राहुल चौहान पुत्र राजेश चौहान उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी देवरिया सदर, अनुपम सिंह पुत्र फूलचंद 30 वर्ष ग्राम मुंडेरवा जनपद बस्ती एवं रवि पुत्र त्रियोगी नारायण मिश्र 30 वर्ष निवासी सिंघई थाना सदर देवरिया की घटना स्थल से पुलिस ने सदर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित होने की पुष्टि की। परिजनों ने बताया कि रवि नारायण मिश्रा लैब टेक्नीशियन था, देवरिया में स्वयं का लैब आदि चलाकर अल्ट्रासाउंड का आदि का कार्य करता था। अन्य दो मृतक उसके दोस्त थे। तीनों देवरिया जनपद से अपने घर से लगभग 10 बजे रवि की कार हुंडई आई 20 कार से निकले की जैनपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर जंगल के पास बघई डालपुल से 20 मीटर पहले आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर लगभग 10 फुट खाई में पलट गई। मौके पर एक की मौत हो गई, जबकि दो को सदर ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई।